वसुंधरा राजे के गढ़ झालावाड़ को आम चुनाव से पहले बड़ी सौगात मिली है। रेलवे ने कोटा श्रीगंगानगर सुपरफास्ट ट्रेन को हफ्ते में 3 दिन झालावाड़ से शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हरी झंडी दिखाने के साथ ही ये ट्रेन पहली बार झालावाड़ से रवाना हुई है। कोटा श्रीगंगानगर ट्रेन को पहली बार झालावाड़ पहुंचने पर लोगों द्वारा स्वागत किया गया और लोगों ने खुशी जाहिर की। यह ट्रेन हफ्ते में 3 दिन बुधवार, गुरुवार और रविवार को झालावाड़ से चलेगी। यह ट्रेन झालावाड़ से कोटा, सवाईमाधोपुर, जयपुर से होती हुई श्रीगंगानगर तक पहुंचेगी। इस ट्रेन से झालावाड़ के लोगों को सीधे जयपुर पहुंचने में सुविधा होगी, साथ ही झालावाड़ जिले की अन्य जगहों से सीधी कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। इस ट्रेन को झालावाड़ से शुरू होने को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने आम नागरिकों से बात की तो उन लोगों का कहना था कि कोटा जाकर ट्रेन में बैठना पड़ता था, हमें यहीं झालावाड़ से अच्छी सुविधा मिल जाएगी और बहुत खुशी है इसको हमें झालावाड़ के लिए। हमें यहाँ पर बहुत खुशी हुई क्योंकि यहाँ पर ट्रेन से क्या सुविधा होगी, हमें कोटा निकालना पड़ेगा और यहाँ से हम सुविधा नहीं जा सकते हैं। झालावाड़ वालों का ये बहुत सौभाग्य है कि ये ट्रेन यहाँ से शुरू हुई। झालावाड़ वालों के लिए ये बहुत अच्छी रहेगी कि टाइम पर कोटा पहुंचेंगे। इस वक्त कोई भी ट्रेन इस वक्त यहाँ नहीं थी कोटा जाने के लिए, अब दोपहर के टाइम भी हम कोटा आराम से पहुंच सकेंगे। वहां से हम जयपुर वगैरह जाने के लिए है वो भी हम टाइम से पहुंच सकेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी सुविधा हुई है। झालावाड़ रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने भी इस पर खुशी जताते हुए कहा कि इस ट्रेन है झालावाड़ के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रेन है और इससे झालावाड़ के विकास में और चार और लगेंगे, सुविधा मिलेगी आने को जाने को। ये सप्ताह में 3 दिन चला करेगी, बुधवार और झालावाड़ सिटी से चलकर रामगंज मंडी, लखनिया, कोटा, रायपाटन, लाकेरी, सुंदरगढ़, सवाई माधोपुर, चोट का